हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यूज़ अपडेट्स। तो आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि BMW कंपनी ने फ्लाइंग कार सक्सेसफुली बना ली है। उड़ने वाली कारों ने अक्सर हम में से कई लोगों को अट्रैक्ट किया है, लेकिन किसी तरह रियलिटी से बहुत दूर लग रहा था। लेकिन ऐसा ही कुछ कंपनी ने पॉसिबल करने की कोशिश की है। इस बार साइंस फिक्शन को रियलिटी में बदलने की कोशिश की गई है। आजकल लोग नई नई लेटेस्ट कार को खरीदते हैं, लेकिन आगे चलकर इस तरह की लेटेस्ट फ्लाइंग कार को भी खरीदेंगे। इस फ्लाइंग कार का इंजन BMW कंपनी ने बनाया है। अगर आप सर्च इंजन पर सर्च करेंगे कि वर्ल्ड की फर्स्ट फ्लाइंग कार कौन सी है, तो आपको बहुत सी कार मिल जाएंगी जो कि फर्स्ट कार हो सकती है। लेकिन ये कार जो इस बार लॉन्च हुई है, उसे पहली बार इतने टाइम तक हवा में रह सकी है। इस कार ने 35 मिनट तक हवा में फ्लाइंग किया। इस कार ने एक सिटी से लेकर दूसरे सिटी तक एयर में ट्रैवल किया है, तो इसलिए इस कार को कहा जा रहा है वर्ल्ड फर्स्ट फ्लाइट कार। कंपनी ने एयर कार लॉन्च किया है, जिसने 28 जून को स्लोवाकिया में दो इंटरनेशनल एयरबेस के बीच में 35 मिनट की हिस्टोरिक उड़ान पूरी की। 190 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से व्हीकल एक डबल मोड वाला कार विमान है, जिसमें सभी का ध्यान खींचा है। दुनिया भर में ये एक इंटरसिटी फ्लाइट थी। एयर कार ने नित्रा और ब्रेटिस्लावा स्लोवाकिया में इंटरनेशनल हवाई अड्डे के बीच में अपनी पहली अंतर शहर उड़ान पूरी की। फ्लाइंग कार को R&D कंपनी क्लेन विजय के संस्थापक और CEO स्टेफन क्लेन द्वारा ड्रिवन किया गया था, जिसने प्रोटोटाइप हाइब्रिड एयर कार बनाया था। अगर हम इस कार के स्पीड को कंपेयर करें, तो जो नॉर्मल प्लेन्स होती हैं वो 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, और बुलेट ट्रेन्स 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, और ये जो फ्लाइंग कार है वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो मतलब इस स्पीड के हिसाब से देखें तो अभी ये फ्लाइंग कार पीछे है। जो लोग डेली लाइफ में ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, वो लोग तो इस फ्लाइंग कार को सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डिस्क्रिप्शन के साथ मेमोराइज्ड कर देने वाली उड़ान का एक वीडियो शेयर किया गया था। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर कार नियमित पेट्रोल पंप ईंधन पर चलती है और BMW इंजन से लेस है। इसके अलावा लगभग 1000 किलोमीटर की उड़ान भरने की क्षमता के साथ 8200 फीट मतलब 2500 मीटर की ऊंचाई पर वाहन 2 मिनट और 15 सेकंड में एक विमान में बदल जाता है, वेबसाइट ने बताया। ऑनलाइन शेयर किए जाने के बाद वीडियो को 1 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है और नेटिजंस के बीच रिएक्शन का एक अवलांश शुरू हो गया है। यहाँ कई लोग उड़ने वाली कार के बारे में चिंतित हैं, वहीं अन्य लोग सोच रहे हैं कि यह कार बाजार में उपलब्ध होगी। आज से पहले कई कंपनी ने इस तरह के प्रोटोटाइप तैयार किया था और किसी न किसी कारण से उन्हें बैन करना पड़ा, लेकिन इसमें उन्होंने पैसा खूब कमा लिया। बाद में इन्वेस्टर उन कंपनीज में पैसा लगाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये प्रोटोटाइप आगे काम करेगा या नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।